Mein Name ist Jürgen Schafflichner, Heidelberg, das South Asia Institute, mit Gamkartahu und in der Pakistan, mit Hinglaj, Devi, meine Ekitabliki. So, meine Takriban 2009 mein Schurukia, ist Kiliet Akik Karna, und 2009 se 2015 mein Atareta, Pakistan. Und hier die Yatra, diese Hindu-Log ist Yatra, die ist Kibare, meine Takik Kia. लोगों को तो नहीं पता कि इधर पाकिस्तान में हिंदू लोगों के लिए एक अजीम और कदीम जगह है जो लोग ख्वाहिश मतलब हिंदू लोग ख्वाहिश करते हैं कि इधर आना पूजा करना इस जगह को देखना वहाँ तो हिंगलाज माता बलूचिस्तान में पड़ा है तकरीबन 250 किलोमीटर दूर कराची से और पुराने जमाने में ऐसा हुआ कि लोग पैदल चलकर कराची से या गुजरात से या बंगाल से पैदल चलकर वहाँ पहुँच गए थे लेकिन ये बिल्कुल रेगिस्तान है सेरा है तो सेरा के सारे उसको पैदल चलना पड़ता था पानी की कमी है इसलिए चलते चलते लोग भी मर गए हैं लेकिन कहते हैं कि जब लोग वापस आए हैं हिंगलाज से तो उसके कम्युनिटी के लोग उनको हिंगलाजी का नाम दिया है एज ए साइन ऑफ ऑनर ठीक है जैसे लोग हाजी भी कहते हैं लोगों को हिंगलाजी कहते हैं क्योंकि लोग सोचते थे कि आप जब इतने मुश्किल यात्रा आप वापस आ सकते हैं पुराने जमाने की बात अभी कर रहा हूँ अब आ सकते हैं इस मुश्किल यात्रा से तो आप देवी का एक तोहफा है अब देखिए लोग कहते हैं कि हिंगलाज बहुत पुराना है हिंदू अकीदा में लोग कहेंगे कि तकरीबन राम जो विष्णु एक अवतार है उस जमाने से वहाँ मौजूद है हिंगलाज जब आप गुजरात जाते हैं और गुजरात कब्रिस्तान जाते तो आप देख सकते हैं कभी कभी हिंगलाजी लोग जो हिंगलाज से वापस आए हैं उनका जो इंतकाल का तारीख लिखा हुआ है ठीक है तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन 14 सेंचुरी से लोग जा रहे हैं हिंगलाज तो जगह काफ़ी पुरानी है कितनी पुरानी है हमको नहीं मालूम आजकल तो काफ़ी तब्दीली आई है हिंगलाज में 2001 में तकरीबन मकरान कोस्टल हाईवे जो सीरो पॉइंट से क्वारा तक चलता है ये रास्ता तकरीबन 2001 में उसका पहला हिस्सा मुकम्मल हुआ पहला हिस्सा का मतलब है सीरो पॉइंट से हिंगोल नदी तक तो उससे ये हुआ कि लोग अभी गाड़ी में बैठ कर आराम से वहाँ पहुँच सकते आप ख्याल कीजिए पहले ज़माने में लोग तकरीबन 2 हफ्ते 3 हफ्ते कभी कभी 4 हफ्ते पैदल चल कर वहाँ जाते थे और आजकल अब दीन गंतों के अंदर गाड़ी में आराम से बैठकर अब वहाँ पहुँच सकते हैं एक खास रिवायत है तो मूर्ति के बिल्कुल नीचे एक सुरंग है एक टनल है छोटा वाला टनल है लेकिन आपको इस टनल के सारे सुरंग के सारे रेंगना है और इसका यही मतलब है कि जब आप इस टनल से फिर से निकाल आते हैं तो ये जो भी गुना आपने किया है आपकी ज़िंदगी में ये सब तबाह हो जाते हैं तो ये इसका जो तसव्वुर है इसका ख्याल है एक आपको एक नया आत्मन मिलता है एक देव आत्मा जैसे लोग कहते हैं शाजो रिसालो एक चैप्टर में सुराम काली में हिंगलाज के बारे में कुछ लिखा हुआ है और कहानी ये है कि उस समय शाह अब्दुल लतीफ बिधाई जोगी लोगों के साथ योगी लोगों के साथ जो योग करते हैं उन लोगों के साथ हिंगलाज की यात्रा पर गए हैं ठीक है यात्रा तो काफ़ी मुश्किल है दूर है सहारा खिसारी है पैदल चलना पड़ता है पानी की कमी है लेकिन वहाँ पहुँच कर योगी लोगों ने देखा है कि शाह अब्दुल लतीफ बिधाई जब हिंगलाज माता की मूर्ति के पास गया तो माता खुद उसके हाथ से दूध पी रही थी तो इसलिए योगी लोग बहुत जेलस हो गए हैं और सोच रहे थे ये शाह अब्दुल लतीफ ये कौन सा आदमी है तो झगड़ा हुआ लेकिन आजकल सिंध में ये कहानी काफ़ी मशहूर है कि शाह अब्दुल लतीफ हिंगलाज गए हैं और हिंगलाज उसको बहुत मोहब्बत करती है चारण लोगों के लिए इधर आना बहुत अहम है क्योंकि कहते हैं कि जब 16 साल की उम्र है चारण आदमी और 16 साल तक वहाँ हिंगलाज में नहीं पहुँचते हैं तो वहाँ एक पत्थर गिर जाएगा और ये आस्ते आस्ते हिंगलाज ख़राब हो जाएगा इसलिए चारण लोगों के लिए ये बहुत अहम है हिंगलाज जिंदगी में एक दफ़ा देखना वहाँ रिवायत वगैरह करना तो 2009 से मुझे मालूम है कि अभी तक लोग कोशिश करते हैं कि बलूचिस्तान जाएं लेकिन इनके लिए मुश्किल है पहले तो पाकिस्तान का वीज़ा लेना मुश्किल है इसके बाद बलूचिस्तान जाना मुश्किल है तो अभी तक लोग हिंदुस्तान में इंतज़ार करते हैं उनका ख्वाहिश है कि एक दिन हिंगलाज देख सकेंगे